तो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने चैनल का नाम चेंज करना चाहते हैं? तो रुक जाइए, पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद अपने चैनल का नाम वगैरह जो भी हो अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो प्रॉब्लम मेरे पर आई हो आप पर भी आए। तो इस वीडियो में चैनल चेंज करने के तरीके से पूरी जानकारी दी गई है, तो वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरी देख सकते हैं आप। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि अपने चैनल का नाम कैसे चेंज करें, नहीं तो आपका चैनल सर्च लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिनय राजपूत और स्वागत करता हूँ आपका अपने बी एस राजपूत यूट्यूब चैनल में। तो आइए जानते हैं थोड़ी सी मेरी स्टोरी, जिस जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ बिल्कुल ना हो। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना यूट्यूब चैनल है वो आज से 2 साल पहले क्रिएट किया था। उसमें मैंने वही लगभग 1-2 महीने वर्क किया और उसके बाद मेरे साथ एग्जाम आ गए थे, तो मैंने अपना चैनल है वो छोड़ दिया था। उसमें कुछ वीडियो 60+ वीडियो डाली थी और वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। उनमें से कुछ वीडियो तो आज भी 20K के आसपास वायरल हो चुकी थी, कुछ बहुत थोड़ा बहुत, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस उस चैनल में मिला था। तो पिछले वाला जो मेरा चैनल था उसका नाम था हेल्प टेक्निक 2, उसी चैनल का मैंने नाम चेंज कर बी एस राजपूत कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मेरा बी एस राजपूत नाम जब चेंज किए हैं तो अब ये चैनल है जो सर्च में नहीं आ रहा बिल्कुल से। अगर मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा हूँ तो मेरा चैनल सर्च में आ ही नहीं रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी पता चले। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं या चेंज करना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना, वरना आपका चैनल 2-3 महीनों के लिए हो सकता है चैनल सर्च में आए ही ना, जैसे मेरे साथ हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी वो दोबारा से हो, तो मेरा मोटिव यही है वीडियो बनाने का। और तो आइए जानते हैं कि चैनल का नाम चेंज करते वक्त किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपका चैनल ऑलरेडी बना है, उसमें 1-2 साल या महीने कुछ भी वर्क किए हो, उसके बाद अगर नाम चेंज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं तो जो नाम है आपका, मान लो सपोज दैट आपका नाम चैनल का था हेल्प टेक्निक 2, मेरा पहले वाला चैनल है, तो मेरा चैनल है अब इसका नाम मैंने बी एस राजपूत चेंज करके रख दिया है। तो चेंज करने के वक्त विशेष ध्यान आपको देना क्या है कि जो भी आपका पहले वाला टैग है, जैसे हेल्प टेक्निक 2 वाला टैग है, तो उन कीवर्ड्स को जो आपके सर्च इंजन में लाते हैं ऊपर आपको, तो उनका जो कीवर्ड्स पड़ा है हेल्प टेक्निक 2, उसको कभी भी रिमूव ना करें। कब तक ना रिमूव करें, आइए जानते हैं। तो जब तक आपका बी एस राजपूत नाम से सर्च करने पर आपका चैनल ऊपर आए ना या शो ना करने लगे, तब तक आप अपने चैनल का बिल्कुल भी कीवर्ड्स मत चेंज करें जो पुराना वाला पड़ा है, नहीं तो आपका चैनल भी बिल्कुल से सर्च में ऊपर आएगा ही नहीं। तो इन बातों का काफ़ी विशेष ध्यान देना कीवर्ड्स का, क्योंकि मेरा चैनल है वो आज तक सर्च में अभी नहीं आ रहा है, पता नहीं अभी कब तक नहीं आ पा रहा है। मैंने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी कीवर्ड्स डाले, काफ़ी जगह, काफ़ी 1-2 वीडियो भी देखी, तो मुझे समझ आया कि शायद मैंने इस तरह की गलती की है। तो मैंने चाहता कि आप भी उन गलतियों को दोहराएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं आप तो इतना विशेष ध्यान देना, नहीं तो आपके साथ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अगर पसंद आई हो, यूजफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए, जिससे हम थोड़ा सा तो मोटिवेट हो भी जाते हैं, या कैसे कोई गलती करते हैं वीडियो बनाने में तो उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरा नया अपडेट आपको तुरंत मिलता है।